एक डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस हद तक पागल बन सकता है और उसके एक्सपेरिमेंट के लिए कितने इंसानों को अपने ट्रैप में फंसाता है, ये हम आज के इस मूवी में देखने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक डॉक्टर से, जो कि अपनी बेटी शाशी को समझा रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और शाशी के नाक से बहुत ही खून निकल रहा था और उसको पेन भी हो रहा था। डॉक्टर अब शाशी का कोई ट्रीटमेंट कर लेता, उसके बदले वो डॉक्टर एक जॉम्बी को लाता है और उसके पेट में मारकर उसका उल्टी शाशी के मुंह में गिराने की कोशिश करता है। और यहाँ से सीन चेंज होके मागुमी के पास आता है, जिसकी बहन ताशा को स्कूल में कुछ लड़कियां रैगिंग कर रही थी। मागुमी ताशा को बचा नहीं पाती है क्योंकि वो लोग मागुमी को कीड़ा दिखाकर डरा देता है और ये सब मागुमी का एक सपना था। अब मागुमी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रिप में जंगल में आई थी और मागुमी की बहन ताशा स्कूल में बहुत पहले ही रैगिंग की वजह से सुसाइड कर लिया था, जिस वजह से मागुमी ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी ताकि किसी दूसरी लड़की को वो रैगिंग होने से बचा पाए। अब वो लोग कैंपेन पहुंचने के बाद मछली पकड़ने के बात करते हैं और सुजेन के मुताबिक वहाँ के मछलियों में एक पैरासाइट पाया जाता है जिससे कि कोई भी हमेशा के लिए जवान रह सकता है। अब सुजेन की बात मानकर बाकी सब लोग भी मछली पकड़ने लगते हैं और मागुमी को एक मछली भी मिल जाती है। और सुजेन जब अपने कैंप की तरफ वापस आती है तो टाकी उससे जबरदस्ती करने लगती है। सुजेन उसे रोकती है तो वो सुजेन की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है और टाकी की बातों में आकर सुजेन भी उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी उन दोनों के पास हम एक जॉम्बी को नोटिस करते हैं और दूसरी तरफ उन सबको मछली के अंदर से एक पैरासाइट मिलती है। और भी सुंदर बनने की जुनून में सुजेन किसी की बात को ना मान के वो पैरासाइट खा लेती है। अब ये देखकर मागुमी को बहुत ही उल्टी आती है और वो जंगल की तरफ चली जाती है। अब मागुमी के पीछे पीछे टाकी भी उसके पास आता है और वो उसके साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन मागुमी को मार्शल आर्ट आती थी तो वो उसे मारती है। और उस टाइम वहाँ पर एक बुरा ज़ॉम्बी आता है जिसे देख के लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये आखिर क्या बिहेव कर रहा है। टाकी अब उस ज़ॉम्बी को मारने जाता है लेकिन वो ज़ॉम्बी उल्टे टाकी की ही एक उंगलियां काट के खा लेता है और वो ज़ॉम्बी टाकी को और नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही सब लोग उसको चुरा लेती है और मागुमी उस ज़ॉम्बी के सर फोड़ देती है। अब वो लोग टाकी को फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे लेकिन कोई अनजान व्यक्ति उसके गाड़ी को चोरी कर लेता है, जो कि टागी चाबी को गाड़ी में ही भूल गया था। लेकिन उनके पास में एक मैप था जिससे कि मागुमी की मदद से सब लोग उसको फॉलो करके एक गांव तक पहुंच जाते हैं। अब रास्ते में मागुमी को शाशी भी दिखती है लेकिन मागुमी के पीछा करने पर वो कहीं गायब हो जाती है। वो पूरा गांव तबाह हो चुका था और वहां पर उन्हें कोई भी आदमी नहीं दिखता है। फिर उसी टाइम सुजेन को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगती है तो वो टॉयलेट में जाती है और वहां पर उसे पता चलता है कि वो पैरासाइट उसी के पेट में बहुत बड़ा हो चुका है जिसको सुजेन ने खाया था। अब इस तरफ टाकी अपने दर्द को सहन नहीं कर पाता है और वो बहुत सारा ड्रग ले लेता है। और दूसरी तरफ सुजेन को टॉयलेट में एक ज़ॉम्बी दिखता है और वो डर के बाहर आती है, लेकिन तब तक उस टॉयलेट से बहुत सारे ज़ॉम्बी निकल आए थे और गांव के सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब डर के सभी लोग एक जगह छुपने के लिए भागते हैं लेकिन सुजेन उन लोगों के साथ नहीं जा पाता है और ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। अब इस तरफ उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वहां पर छुपा हुआ था और वो बूढ़ा आदमी उन लोगों से आने का कारण पूछता है और मागुमी उससे मदद मांग पाती उससे पहले ही उस आदमी से वही पैराडाइज निकलने लगती है। वो बूढ़ा आदमी इन्फेक्टेड होकर नहीं मरना चाहता था तो वो खुद ही सुसाइड कर लेता है और इस तरह बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी अंदर आना चाहते थे। मागुमी किसी तरह ज़ॉम्बी से फाइट करके उन्हें रोक रही थी और इसी दौरान मागुमी को एक आइडिया मिल जाता है कि ज़ॉम्बी के सर को फोड़ के उनको मारा जा सकता है। और इस तरह ही मागुमी सब ज़ॉम्बीज को मरने लगती है और अचानक से एक पैरासाइट ज़ॉम्बीज के डेड बॉडी से निकल के मागुमी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वही डॉक्टर आ जाता है और उस पैरासाइट को गोली मारकर मागुमी को बचा लेता है। अब इसके बाद डॉक्टर उन सभी को अपने घर ले आता है जो कि अब ज़ॉम्बीज से पूरी तरीके से थे और शाशी वहाँ पर सभी के लिए खाना लाती है। अब भूखे होने के कारण वो सभी लोग उस खाने को खा लेता है। फिर कुछ टाइम बाद वो डॉक्टर उन सभी को उस पैरासाइट के बारे में बताता है जो कि इंसान के दिमाग में घुस के उसका ब्रेन खा लेता है और उसी से इंसान अपना कंट्रोल खो के पैरासाइट के कंट्रोल में आ जाता है। और डॉक्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक पैरासाइट अपने पास रखा था। अब टाकी का हाथ देखकर डॉक्टर को समझ आ जाता है कि टाकी भी अब इन्फेक्टेड है और किसी भी वक्त वो ज़ॉम्बी बन सकता है और ऊपर से उसने ड्रग भी लिया था।
जिसकी वजह से वो और भी तेजी से फैलने वाला था और उसके साथ जल्दी ही कुछ होने वाला है। और अगर वो इन्फेक्टेड अंडी किसी भी नॉर्मल इंसान को काटे तो वो नॉर्मल इंसान के अंदर भी उस पैरासाइट के अंडे चले जाएंगे और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि टाकी का सर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। अब रात में मागोमी को अपने सिस्टर की याद आती है जिसने रैगिंग की वजह से छत से कूद के अपनी जान दे दी थी। अब मागोमी को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है जैसे कि वो भी इन्फेक्टेड हो। मागोमी फिर जब डॉक्टर के रूम में जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर एक जोम्बी को मार रहा है और उस जोम्बी से निकला हुआ पैरासाइट अपने बेटी को खिलाती है। तब उसकी बेटी के पेट से एक पहला पैरासाइट निकलता है। अब मागोमी को देखकर वो डॉक्टर सब सच बताने लगता है कि वो इन पैरासाइट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट सब फेल हो रहा था और उनकी बेटी भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जब वो पैरासाइट बड़ा होके इंसान से बाहर निकलता है तो वो इंसान मर जाता है और इसीलिए पहला पैरासाइट निकलने से पहले ही वो दूसरा पैरासाइट उसकी बेटी के अंदर डाल देता है और इस तरह ही उसकी बेटी जिंदा है। और खाने के बहाने में उन सब के खाने पर वो डॉक्टर पैरासाइट के अंडे मिला दिए थे जिस वजह से उन सभी के पेट में अब दर्द हो रहा था। मागोमी अब सारी बातें सुन के डॉक्टर को मार के बेहोश कर देती है और अपने दोस्तों को वहाँ से भागने के लिए कहती है लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और वो अपने दोस्त को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। और मागोमी फिर उस डॉक्टर के रूम में दवाई लेने के लिए चली जाती है जो कि उसने डॉक्टर को अपने बेटी को देते हुए देखा था और शायद वो सभी लोग इस दवाई से जिंदा बच जाए। लेकिन दवाई लेते वक्त शाशी मागोमी पर हमला कर देती है पर मागोमी के फाइटिंग स्किल के कारण और अपने मार्शल आर्ट के कारण शाशी की उसके आगे एक भी नहीं चलती है और शाशी को वो बेहोश कर देती है। अब इस तरफ मागोमी के दोस्तों को बहुत सारे ज़ॉम्बीज के लाश नजर आती है और पैरासाइट उनको खा रहे थे और तभी डॉक्टर भापे आके एरी को बंदी बना लेता है लेकिन बोगो का पैरासाइट डॉक्टर पर हमला कर देता है और उसी समय ज़ॉम्बीज का पैरासाइट डॉक्टर और बोगो पर हमला करके उनको बुरी तरीके से खाने लगता है। अब एरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और सुजेन का पैरासाइट उसे पकड़ लेती है और सुजेन की पैरासाइट उन पैरासाइट की क्वीन थी जो कि बाकी सभी से बहुत पावरफुल था। और ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते मागोमी सुजेन के पास आती है लेकिन सुजेन एरी को नहीं छोड़ती है। सुजेन अब मागोमी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी एरी अपने पैरासाइट से मागोमी को बचा लेती है और एरी के कहने पर एक नेल गन से एरी और मागोमी दोनों सुजेन को मार डालती है। फिर उसी समय पैरासाइट की रानी शाशी के साथ मिलके मागोमी को पकड़ लेती है लेकिन मागोमी के अंदर का पैरासाइट उन दोनों को मार डालती है और वो उस मेडिसिन को लेके पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। मागोमी को फिर अपनी गाड़ी मिल जाती है, वो उस गाड़ी में बैठ जाती है लेकिन डॉक्टर पीछे से उस पर हमला कर देती है पर मागोमी अपने मार्शल आर्ट से उस डॉक्टर को मार डालती है। और मूवी के एंड में हमें ये पता चलता है कि उन लोगों की गाड़ी डॉक्टर ने ही चुराई थी ताकि वो लोग खुद उसके पास चल के आए और वो जंगल से कभी बाहर नहीं जा सकती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है।